नेशनल स्थायी कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा सोलन नगर परिषद में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य स्थायी कर्मियों को जागरूक करना था ताकि उन्हें पता चल पाए कि वे कौन से कार्य करने के लिए बाध्य नहीं हैं। इस कार्यशाला में नेशनल स्थायी कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि राहुल दास मुख्य वक्ता रहे। कार्यशाला में नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुख्य वक्ता ने सफाई कर्मियों के प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं को भी शांत किया। इस मौके पर उनके अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया गया। इस मौके पर राहुल दास ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार सफाई कर्मचारियों को उनके हितों को सुरक्षित रखने वाले कानून के बारे में जानकारी दी जा रही है। सफाई कर्मियों को जागरूक करने के लिए समूचे भारत में जागरूकता शिविर चलाए जा रहे हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर स्वच्छताग्रही को जागरूक करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत उन्हें केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि वे योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन स्तर को बढ़ा सकें। ये एक वर्कशॉप्स होनी है सारे ऑल इंडिया लेवल पे, जो वर्कशॉप्स होनी है उसमें सफाई कर्मचारियों को जो है MS एक्ट 2013 के बारे में बोलना है, और साथ में NSKFDC के द्वारा जो भी स्कीमें चलाई जा रही हैं सफाई कर्मचारी भाइयों के लिए, नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम जो है स्वच्छाग्रही रखा हुआ है। ये महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के बाद जो है एक बहुत बड़ा एक जो जश्न के रूप में मनाया जा रहा है।